भी आप लोग सोचते होंगे कि राइबोसोम एक्सैक्टली होता क्या है राइबोसोम जो है वो होता है प्रोटीन मशीनरी एंड इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी मोर डिटेल्स अबाउट द राइबोसोम्स. सो वेलकम टू आर चैनल दैट इज डी बायोलॉजी टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टी चैप्टर से राइबोजोम अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे है तो प्लीज जाके देख लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जिससे आप नीट के क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक दैट इज दाइबोजोम राइबोजोम फर्स्ट डिस्कवर किया है जॉर्ज पैलेड इन्होंने इन 1953 एंड दैट्स वाई राइबोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज पैलेट्स पार्टिकल पैलेट्स पार्टिकल ऐसे उसको कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट वन इट इज कम्पोज ऑफ आर आर एन ए चार अलग अलग टाइप के फोर टाइप्स ऑफ आर आर एन ए आर प्रेजेंट इन द राइबोजोम्स एंड अराउंड फोर्टी टू एटी प्रोटीन्स क्लियर है राइबोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है दैट्स वाई इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल एंड दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रो कैरियो एंड यू कैरियर इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने जैसा ये पॉइंट है सेल सारे सेल ऑर्गन में से सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है सो दैट इज वॉट राइबोजोम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल राइबोजोम को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल ऐसे भी हम उसको बोलते हैं क्यों बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसके मैट्रिक्स में उसके राइबोजोम्स थे एज वेल एज जो क्लोरोप्लास था उसके अंदर भी क्या थे उसके खुद के राइबोजोम्स थे सेवेंटी एज टाइप तो इसीलिए ऑर्गेनल राइबोसोम एक खुद एक सेल ऑर्गेनल है लेकिन वो दूसरे भी सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट है इसलिए उसको बोलता बोला जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल देख लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स राइबोसोम जो है ये दो टाइप के होते हैं दैट इज सेवेंटी एस एंड 80s। टी एस यू कैरियोटिक जो राइबोजोम होता है दैट इज़ वॉट एटी एस एटी का मतलब ये दो सब यूनिट से बड़ा बना हुआ है जो बड़ा सब यूनिट होता है वो है सिक्सटी एस एंड जो छोटा सब यूनिट है दैट इज़ वॉट फोर्टी एस तो सब यूनिट मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है बर्गर जैसा जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर ये सिक्सटी एस वाला है ये भी आर आर एन ए से बना है प्रोटीन से बना है फोर्टी एस जो है ये भी आर आर एन ए से बना हुआ है एंड प्रोटीन से बना हुआ है ठीक है जो ये एस है एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट स्वेडबग यूनिट आपको क्या बताता है बताता है सेडिमेंटेशन रेट सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल ठीक है तो स्वेडबग यूनिट आपको क्या बता रहा है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल या मॉलिक्यूल ठीक है सेडिमेंटेशन रेट मतलब डायरेक्टली क्या होता है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब ये क्या है डेंसिटी है पार्टिकल का क्लियर है मतलब ये जो बड़ा सब यूनिट है उसका डेंसिटी है सिक्सटी छोटा सब यूनिट है उसका डेंसिटी है फोर्टी ठीक है और ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनका डेंसिटी होता है अराउंड एटी एस तो कोई इसको ऐड नहीं करना है सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड नहीं करना है ठीक है बिकॉज ये डेंसिटी है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा तो एटी एस डेंसिटी होता है पूरे राइबोसोम का क्लियर है नेक्स्ट प्रो कैरियोटिक राइबोजोम जो है वो है सेवन फिर से यहां पर सेम कॉन्सेप्ट ठीक है ये भी दो सब यूनिट से बनेगा बड़ा सब यूनिट है फिफ्टी छोटा सब यूनिट है थर्टी दोनों कंबाइन जब हो जाएगी सब यूनिट तो यहां पर सेवन ये जो दो सब यूनिट है एंड तो ये जो बाइंडिंग है उसके लिए जरूरी है एम जी प्लस आयन दैट इज वॉट मैग्नीशियम आयन की बहुत जरूरी है जब ये दोनों एक दूसरे को बाइंड करेंगे क्लियर है अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेवेंटी एस राइबोजोम जो है ठीक है उसमें सिक्स सिक्सटी परसेंट आर आर होते हैं एंड फोर्टी परसेंट प्रोटीन्स होते हैं और अगर हम एटी एस डैट इज़ यू कैरेटिक राइबोजम की बात करें तो उसमें फोर्टी परसेंट आर आर एन होता है सिक्सटी परसेंट प्रोटीन मतलब इसमें आर आर एन कम प्रोटीन ज़्यादा इसमें आर आर एन ज़्यादा प्रोटीन कम ठीक है अब ये जो सिक्सटी एस सब यूनिट है उसमें कौन कौन से आर एन ए है सो आर आर एन ए आएगा इसमें ट्वेंटी एट एस फाइव पॉइंट एट एस एंड फाइव एस ठीक है फोर्टी एस जो सब यूनिट है दैट इज अ स्मॉल सब यूनिट ऑफ यू कैरियोटिक राइबोजोम उसमें आर आर एन ए होता है एटीन एस वाला एक ही टाइप का फिफ्टी एस सब यूनिट जो है दैट इज़ अ बिगर सब यूनिट ऑफ अ प्रो कैरियोटिक राइबोजोम उसमें आर आर एन ए आता है ट्वेंटी थ्री एस एंड फाइव एस एंड थर्टी एस सब यूनिट दैट इज अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रो कैरियोटिक राइबोजोम उसमें आर आर एन ए आता है सिक्सटीन एस वाला क्लियर है तो आपको ये जो है ये जो आर आर के टाइप्स है वो नेक्स्ट ईयर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पर हम आर सिंथेसिस पढ़ते हैं ठीक है तो आर एन पॉलीमरेज में ये सारी चीज़ें दी हुई है तो आप अभी बहट करो या बाद में बहट करो एक ही मतलब होता है क्लियर आगे देख लेते हैं दैट इज़ ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन एज़ कॉल्ड राइबोजाइम क्यों ऐसा बोलते हैं इसको ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए को हम क्या बोलते हैं राइबोजाइम राइबोजाइम मतलब आर एन ए विच इज विच इज़ हैविंग कैटेलेटिक एक्टिविटी आर एन ए विच इज हैिटिक एक्टिविटी कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इट इज एक्ट एज एन एंजाइम तो राइबोजोम एज ए एंजाइम इसी कलिए तो इसलिए उसको बोलते हैं राइबोजाइम सो ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए जो है जब हम देखेंगे आगे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ये प्रोटीन के बीच में दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या करता है एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है दो अमाइनो एसिड ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं राइट ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे एक जॉइंट हो जाएगा पूरा ऐसा चेन बनेगा और उस चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन तो ये जो दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और इसको फॉर्म कौन करता है प्रो में ट्वेंटी थ्री एंड इसीलिए ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए को हम लोग बोलते हैं राइबोजाइन राइबोसोम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इज वॉट प्रोटीन सिंथिस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम के बिना होगा ही नहीं मतलब प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के बिना होंगे ही नहीं इसलिए राइबोसोम जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल या इंजन ऑफ अ सेल बिकॉज प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका सेल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा उसके मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं इंजन ऑफ अ सेल या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल क्लियर है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू